हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। काफ़ी सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, काफ़ी सारा काम मेरा रह गया है। मैंने किचन को साफ़ किया है, अभी थोड़ी सी चिकनाई जम रही थी। इधर का कॉर्नर साफ़ नहीं किया था, तो मैं कभी कोई कॉर्नर साफ़ कर देती हूँ, कभी कोई कर देती हूँ। सारा काम इकट्ठा नहीं करती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ करती हूँ। आज मैंने किया है मंदिर की सफाई, किचन में यानी इस कारण चिकना जम जाए है, तो सारी फोटो वोटो साफ करके, बार को भी साफ करके और फिर सफाई कर दी। और इस वाली टोकरी की सफाई करी है, इस पर भी चिकना जम जाने जाए तो मैंने इसकी भी सफाई कर दी है। और ये स्लैब तो साफ होता रहे है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। खिड़की खिड़की पर भी साफ साथ मार दिया करूँ, आर ओ भी साफ कराया है, तो कदे कोई कोना साफ कर दू, कदे कोई कोना साफ करूँ। फ्रिज के ऊपर की भी डस्टिंग करी है, फ्रिज यहाँ श्या में रखा है ना, तो ले आके बच्चा कुछ भी हो हाथ में, इसके ऊपर तो ढेर सारा इसके ऊपर कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, तो वह भी संगवाना जरूरी हुआ है। डस्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, कोई भी ब्लैक कलर का फर्नीचर है, ईव कपड़ा मारा है ना, थोड़ी देर में इसके ऊपर धूल जमी पाओगी, तो ऐसा काम है। सुबह सुबह रोज मशीन साफ करूँ, फिर भी इनके ऊपर डस्ट पावे है। ट्रैफिक की डस्ट ज़्यादा हुआ है, इतनी पतली पतली बारीक बारीक पंखा सफेद ने ईव साफ कराया है ना, तो 5 दिन में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पावे है। और ईव करूँगी इस रूम की सफाई, इस रूम की सफाई, इस हिस्से पर रोज कपड़ा इधर को तो लाग गया है, पर ऊपर वाला कॉर्नर है ना, इस पर रोज ना लागे, क्योंकि इस पर स्पेशल कुर्सी करसी लगा के चढ़ के ही मारना पड़े, तो रोज ना लागे, तो इसकी सफाई करूँगी। और इसका बेड का कवर आज उतार दी हूँ, फट सा गया, ये बेकार सा लग गया है, इतना दिन तक तो ये साबुत था। मेरे देवर का वो छोटा सा लड़का आया करे ना, उसने के काम करा, ये फाड़ दिया, इस पर पूरा पया गद्दी है ना, इस पर पैन चला दिया, मैंने देखा ये कोई नहीं, वो कदमा के कारनामा कर गया, इस पर पूरा पे पैन चला गया, वो पता नहीं क्या उतरेगा पैन है। तो इसका सारा भी सफाई करके एक बार तो यह चादर बिछा दी हूँ, इस पर डस्ट पड़ लेगी, फिर इसके ऊपर अच्छी सी सुंदर सी चादर बिछाऊंगी। ठीक है, उस खिड़की में मैंने कपड़ा अखबार लगा रखा है, धूल मिट्टी कम आवे फिर भी पूरी डस्ट आ जा है, तो उसमें मैं इसमें बहुत सारा बड़ा पोलोथीन है वो और लगाऊंगी नीचे का, पोलोथीन में फिर डस्ट कम आवेगी। बेड के ऊपर जम जा है, फिर रोजाना साफ करनी पड़े है, डस्ट का काम बड़ा ज़्यादा है। एसी के ऊपर फिर तक कबूतर आने लग गया, उनका भी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने वह जाली लगा रखी है, उसका एक दो बार उसमें घुसे हैं तो वह हट जा है जाली, और दिक्कत यह है फिर वह घास लेके आवे हर एसी का, मैं जो ऊपर जाली सी हो है उसका अंदर घास चला जा, तो ये सारा काम करूँगी। और ये दरी मैंने पहले इन गद्दा पर बिछा रखी थी, और इनके ना एक साइड ते या इस बाकी तो सारी नहीं पड़ी हैं, ये इस तरह तो उड़ लग गई, तो इनके या गोट सी लग रही है, या तो शायद मैंने या फिर तो लगानी पड़ेगी, और इन्हें वॉश करके फिर रख दूंगी। कई बार चारपाई डाला है एसी वाला रूम में सोन खातर, क्यों कूलर तो इब तक तो ठीक चल है, लुआम जब चिपचिपी गर्मी होगी तो सारा फिर उस रूम में एडजस्ट होना पड़ेगा, तो चारपाई डालनी पड़ेगी। जैसे ही इसकी दादी आई थी तो चारपाई डाली थी, तो चारपाइयाँ पे इधर ही काम देती हैं। हाथ खुला गया गाइस, व्लॉगिंग इस हाथ से करती हूँ ना तो ये हाथ दुखने लग जाता है, तो उंदरियाँ ठीक करनी, वे वॉश करनी, थोड़ी सी धूल हो जाए, काफ़ी टाइम हो जाए ना इन्हें यूज़ करते हुए, तो मैंने किचन तो साफ कर दी, इस रूम का कर दूँगी मैं थोड़ी सी सफाई। बालक अभी तक उठे नहीं है, अगर उठ जाते ना मैं थोड़ा हाँ बेड ने भी इधर सरकवाती, उधर कोने में पोचा मारने जाऊँ उन्हें तो ठीक ते आराम तो पोचा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा कम स्पेस है, थोड़ा सा और स्पेस करवाऊँगी इसने, थोड़ा इधर खिसकवाऊँगी, इस कमरे में इतनी ज़्यादा चारपाई डालने की ज़रूरत ना पड़े। उस रूम में बेड लगा रखा है ना, वो ठीक लगा रखा है, आराम तो वहीं पर चला जा है, और उधर ते भी बेड के नीचे का भी सफाई हो जाए है, और इधर ते भी बेड के नीचे का सफाई हो जाए है, तो फिर यो आ दुख लग गया, तो ठीक सफाई हो जाए जाए, तो मैं इसने थोड़ा सा इधर सरकाऊंगी, तो यो सारा काम कर रही हूँ। बाद में आप सबसे बातें करती हूँ। आलू का सिटी मरवाई है, आलू की सब्जी बनाऊंगी पतले वाली, मेथी पत्ता डाल के।
तो गाइज ये मैंने कर दी इस रूम की भी डस्टिंग। इस टेबल पर भी बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, हटा दिया। यह सारी ऊपर की डस्टिंग कर दी और बेड का कागज पे भी थोड़ी धूल मिट्टी हो रही थी वो भी मैंने हटा दिया और गद्दे पे यह चादर बिछा दी। इसमें पूरी में लास्टिक है तो यह अपना आप दब गया है, फिर यह निकले को नहीं बैठन उठन ते ऐसे की ऐसे रहेगी। तो इसमें पूरी चादर में बाहर का कोना में लास्टिक है और पीछे का कवर भी मैंने हटा दिया और थोड़ा है ना यहाँ तक स्पेस इतना बचा है। एक गद्दा तो आराम से आए जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी कभी डालना पड़ा तो। चारपाई तो नहीं आवेगी, चौड़ी चारपाई हैं ये तो आवेंगी नहीं। और मैंने यहाँ तक सरका दिया थोड़ा सा तो ये ठीक था ना, यहाँ को भी झाड़ू पोछा हो जाएगा और ठीक बेड के नीचे भी हो जाएगा है ना। और खिड़कियाँ मैंने अखबार कागज लगा दिया, जो गद्दा गल के आया था ना वह कागज दिखे को नहीं वह लगा दिया ताकि धूल मिट्टी कम आवेगी। इस खिड़की में तो रोशनी खातिर छोड़ दिया यह जगह और उस साइड तो मैंने कपड़ा भी लगा दिया ताकि गर्म शीशा ना हो और गर्मी भी कम होगी। और ये बेड का डिजाइन न्यू है इस तरह से, तो मैंने यो ऐसा कलर जैत लिया है ताकि इस पर डस्ट कम दिखे, जैत मैंने यो कलर पसंद करा है। और ये पेन चला दिया उसने, छोरे ने छोटा बच्चा जो आया करे, तो ये पता नहीं कैसे उतरेंगे, तो आपने किसी ने पता हो तो बता दियो किस तरह मैं इन्हें उतारूं। तो इस तरह का मेरे बेड का लुक है पूरा। और झाड़ू पोछा सारा चीज मैंने कर दिया, उस वो गेट पीछे गैलरी में निकलन का है तो वो ही बंद कर दिया, शाम तक बंद रहेगा। बाहर निकला कति ताती लू ला गए हैं तो कपड़े वपड़े सुखाना मशीन वशीन सब उस गैलरी में है तो आन जान का यो रास्ता छोड़ना पड़ा है। और काम वाले काम तो जरूर करें पर उसा क्लीन नहीं करें जिस आप ही करा। मैंने पूरा फर्श रगड़ रगड़ के साफ कराया है, टाइल तो ये साफ होगी, चप्पल कुछ तो मैंने कोण में धोके उरा लगा दी, एक आधी और साफ करनी रहेगी, मैं तो नहाऊंगी जिद्दा ही साफ करूंगी। तू आ जा उस कमरे का, तो वैसे डस्टिंग करी है इसकी, खिड़की साफ करनी रह रही, सारा काम एक दिन ना छेड़ा करूं। तो इसका पंखा और इसकी खिड़की में धूल आ रही है, नीचे का एक चादर और लगा रखी ताकि शीशा गर्म ना हो क्योंकि धूप इस साइड तक सीधी आ है, तो यह चादर लगा रखी है तो इसमें भी डस्ट सी आ रही है, इसने काल साफ करूँगी। और इसमें अखबार लगाना पड़ेगा, फिर तपत कम आ गई है, अखबार लगा दूंगी तो इसमें सही आ जाए। चारपाई हम कई सारा जना हो जाए वहां ने, तो यार चारपाई डाल लो हूँ रे, ये थोड़ा बड़ा लगा है उस साइड भी, मैंने इसमें सही स्पेस छोड़ रखी है। ठीक तो वाइपर आ जाए है झाड़ू पोछा मारना और बेड का नीचे का भी मारा जावा है। तो गाइज मैं लाग रही हूँ सफाई में, नाई भी नहीं हुई, हो गया रोटियां का टाइम, 1 बजे 9 रहा, पहले रोटी बना के खा के फिर नहाऊंगी, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। गाइज मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है, ये देखिए आए हुए, तो इसको काफी दिन हो गया, मैंने गांव का एड्रेस दिया था तो ये गांव में पहुंच गया था और फाइनली आज ये मेरे हाथ में आया है। टंटना टंटना, और अब आएंगे YouTube की पेमेंट, अब आएगी YouTube की पेमेंट। खोलते हैं, चेक करते हैं, चलो गाइज चलो गाइज। हाँ अरे यार इसमें तो पेज पे तो कुछ ही को नहीं, तो ये तो कुछ ही इशू ही हो रहा है। इस पे लिखा पाएगा नंबर, कोड लिखा पाओगे इस पे? दोनों चैनल आओगे तो कोई, दोनों चैनल आओगे यार। एक में डलिया कर, दोनों क्यों डलिया करो, एक में डलिया दूसरा काम को नहीं आ रहा बता, एक को है, है। तो गाइस मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है, ये आप सबने देख लिया है। तो गूगल एडसेंस बहुत दिन बाद आया है, काफी टाइम हो गया मेरे को वेट करते हुए, कब आएगा कब आएगा। बच्चों को बोल रही थी ठीक से भरा है या नहीं भरा है,
डाकियान गाली दूंगी। डाकियान पहले तो बताया नहीं, फोन करके पूछा, फिर डाकियान पूछने के बाद भी 2-3 दिन बाद घर भेजा और 10 दिन बाद ये मेरे पास पहुंचा है। तो लालो टोटल 2 महीने बाद मेरा गूगल एडसेंस पहुंचा है और ये गूगल एडसेंस है न्यू नेहा बुटीक का व्लॉगिंग वाला रह रहा है, वो देखो कितना दिन में होगा। बाकी ना 1.5 महीना तो व्लॉगिंग वाला भी होगा मेरे को अप्लाई किए हुए है ना। लापरवाह कुछ तो डाकिया लापरवाह है, नहीं तो 17 से 20 दिन के अंदर अंदर आ जाया करे या जो गूगल एडसेंस पिन हुआ है या जल्दी आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगाया करे तो। और ये है ना गांव के एड्रेस पे मंगवानी पड़े है, जो अपना डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर एड्रेस हुआ है वो एड्रेस भरना पड़ा है, जैसे मैंने गांव का एड्रेस भराया था फिर गांव तक लाना पड़ा है। तो एक गूगल एडसेंस और रह रहा है मेरा आना, तो वो भी देखो 1-2 दिन में 5-10 दिन में आ जाएगा, ये न्यू नया बुटीक आया है। तो गाइज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने मेरा इतना साथ दिया, और ये छोटी बात नहीं है, यूट्यूब पे पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है, इतना सारा कंपटीशन है यूट्यूब पे पूछो मत, मेहनत का काम भी बहुत है भाई, सार अपना काम छोड़ के व्लॉगिंग करना, जगह जगह पे वीडियो बनाना, एडिट करना और फिर इसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारा काम हो गया है। अपना काम छोड़ के टाइम निकाल के फिर यो काम करना पड़े है, यूँ ला लो यो भी अपना रोज़ रोज़ का फिर एक काम हो जाए, जैसे हम और काम में करा डेली रूटीन में, यो भी डेली रूटीन में करना पड़े है जब जाके हम इस मंजिल तक पहुँचा। हाँ यूट्यूब पे आना इतना छोटा काम नहीं है, इतना सारा कंपटीशन है, उसमें इतनी छोटी सी जगह बनाना ही बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो देखो लक की बात है, किसी किसी का लक अच्छा हो तो 1-2 वीडियो डाली वायरल हुई और चढ़ गई, बाकी किसी की किस्मत ऐसी भी है जिसने 1-2 साल काम किया और सक्सेस ना हुई यूट्यूब पे, फिर उन्हें बाट देख के छोड़ भी दिया। तो गाइज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है। हर किसी का सपना है यूट्यूब पे पेमेंट कमाना, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब तो एक अलग बात है, पैसे कमाना खुद की मेहनत खुद के पैसे अलग अलग बात हो। वैसे मैं पैसे कमा रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, पर यूट्यूब पे पैसे कमाना एक अलग खुशी है, अलग लेवल की। वो खुशी इसलिए है भाई इतनी सारी पब्लिक में लाखों पब्लिक काम कर रही है यूट्यूब पे, और उसमें लाखों व्लॉगिंग कर रहे हैं, लाखों स्टिचिंग का भी कर रहे हैं, उसमें जगह बनानी ही बहुत बड़ी बात हो जाए। पैसे तो बाद में आवे है, चाहे पैसे कमाओ चाहे ज़्यादा हो, पैसे तो बाद में आवे है, पहले तो जगह बनानी ही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप सब ने भी बहुत साथ दिया, तो इसलिए तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और भगवान जी तो हैं ही, देखो साथ सबसे पहले तो उसका ज़रूरी है, उसको तो मैं हमेशा अपने टेबल के ऊपर रखती हूँ। तो वो तो सबसे पहले ज़रूरी है। तो गाइज देखो अगर आप सब ने भी ये यूट्यूब पे आना है, काम करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी। अपना काम छोड़ के मैं रात को 12-12 एक बजे एडिटिंग करके फिर सोती हूँ, चाहे मेरे को नींद आए ना आए, रात को अगर एडिटिंग होगी सेव करनी रहेगी वीडियो, तो रात में नींद भी आ जाए, आँख खुल जाएगी, फिर मैं यूँ चेक करूँगी वो मेरी वीडियो से हुई या नहीं हुई, और फिर टाइम पे अपलोड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होगे, आज नहीं तो कल होगे, पर सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो गाइज मैंने अभी साथ साथ में चाय भी चढ़ा रखी है, अपनी चाय भी संभाल लूँ, कदे बातें करते करते मेरी चाय निकल जा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताना, अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा एक एडसेंस आना भी और बाकी है, तो वो भी देखो कब तक आएगा देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज़।